तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखोगे फास्ट शॉर्ट कैसे कटिंग करें, यानी कि कुछ भी फास्ट कटिंग कैसे करें। अगर मैं आखिर हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं बहुत ही फास्ट कटिंग करने वाला हूँ इस शॉर्ट को। और ये जो वीडियो देख रहे हो आप ब्लॉग में देख रहे हो तो इस ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही इसमें अजूबा चीज सिखाता हूँ। तो चलिए बिना समय लेते हुए इसको बहुत जल्दीबाजी में कटिंग करता हूँ। ये देखिए फास्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो है हमने क्या किया है कि ये देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया। और ये सारा स्केल, ये जो स्केल देख रहे हो सारा स्केल मेरे सामने है और ये चकमट्टी बिल्कुल तैयार है। अब फास्ट कैसे कटिंग करेंगे, ये देखिए ये मेरा 1.5 इंच का है और ये छोटे बच्चे का है, ठीक है। छोटे बच्चे का है तो ये 1.5 इंच चौड़ा आता है मेरा स्केल। तो सबसे पहले इस तरीके से सीधा एक निशान लगा देते हैं और एक और निशान ये लगा देते हैं, ठीक है। ये 1.5 इंच का हो गया और सियाने बनाते हैं तो यहाँ से अंदाज से 1/2 इंच हटाते हैं और ये मार्कर लगा देते हैं तो 2 इंच डन हो जाता है। और इधर से देखिए छोटा बच्चा है ना तो ये किनारी पीस छोड़ के इस तरीके से मार्कर लगा देते हैं, ये 1.5 इंच करीब करीब हम लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर सियाना कराता है तो यही जरा सा और हटा लेते हैं तो ये 2 इंची चौड़ा मेरा हो जाता है। अब आता है लंबाई, देखिए इंची तक को हम गर्दन में पहन के रखते हैं और यहाँ से इंची तक रखेंगे और सीधा लंबाई कितना जाएंगे और इसका लंबाई जो है वो है 18। तो 18 है तो ये देखिए 18.5 पे मार्कर लगा देंगे और ये सीधा फोल्ड करेंगे। इसके लिए 1.5 इंच का मार्कर लगाइए और सीना, सीना का चौथाई बार मार्कर लगाएंगे। सीना जो है 21.5 इंच है तो 21.5 है तो करीब उसको 22 कर लेते हैं। 22 का चौथाई बार करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5। छोटे बच्चे में कम नहीं करते हैं तो ये 5.5 का इस तरीके से मार्कर हमने लगा दिया। और ये देखिए एक और मार्कर यहाँ से 18.5 का मार्कर लगा दिया, ये 1.5 इंच मोड़ने का मार्कर लगा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको इधर रखेंगे। ये देखिए हम मैंने पहले ही बोला था कि ये 1.5 इंच चौड़ा है तो ये 1.5 इंच का अंतर है तो एक इधर से मार्कर लगा दिए, इधर से मार्कर लगा दिए और इसको इस मार्कर को इस तरीके से लगाएंगे। और देखिए अब सीना रह गया ना तो सीना हो गया 21.5 इंच है, 21.5 इंच है तो यहां से ये देखिए 5.5 हो गया, ठीक है। 5.5 यहां से 1.5 इंच लूजिंग, यानी कि मैं जो कटिंग कर रहा हूँ अभी 22 के हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ, 1.5 इंच लूजिंग दिया हूँ और ये हो गया 7। तो यहाँ पे 7 इस तरीके से मार्कर लगा दिए। अब इस तरीके से इसको स्केल को रखेंगे और ये सीधा निशान हमने लगा लिया। अब देखेंगे तीरा, तीरा जो है 15 है तो 15 के लिए 7.5 पे मार्कर लगाना पड़ेगा। तीरा मेरे हिसाब से ज्यादा है क्योंकि तीरा मैंने मेजरमेंट नहीं किया है, तीरा मुझे ज्यादा लग रहा है तो इसको हम क्या करेंगे 14 कर लेते हैं। काफी ज्यादा तीरा हमको ज्यादा लग रहा है तो शोल्डर जो है 11.5 है, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा लग रहा है। इतना तो नॉलेज होना चाहिए आप दर्जी हो तो कोई भी चीज की अंदाज चल जाए कि नहीं। देखिए 11 है तो 11 पे मार्कर लगा दिए, 5.5 पे 1/2 इंची सिलाई का मार्जिन। अब ये देखिए यहाँ से 1/2 इंची इसको इधर और मार्कर लगाएंगे, सियाना रहता है तो इसमें हम 1 इंची इधर को मार्कर लगाते हैं और यहाँ से कोई भी स्केल से इस तरीके से ये मार्कर हम इस तरीके से लगा लेते हैं। और ये मार्कर लगाने के बाद में ये आर होल का इस तरीके से राउंड कर ले, राउंड करने के बाद अब आ गया यहाँ पे मार्कर लगाने के लिए हालर। तो हालर के लिए देखिए कालर कितना है, तो कालर जो है 11 है करीब करीब, तो 11 के लिए देखिए 2 इंची में बहुत अच्छे से आ जाएगा और लगाने के समय छाप दिया जाता है ये छोटे बच्चे का है तो। और यहाँ से सीधा स्केल स्टेट जो होता है सीधा स्केल ये हमने लगा दिया, शोल्डर डाउन कर दिया, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। इसमें लिख भी देते हैं ताकि कारीगर भी सीए तो कोई दिक्कत ना हो और जिसका है उसका नाम भी लिख देते हैं। ये देखिए खुशबू कुमारी, अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इधर से मेरा बैक वाला भी आ जाएगा क्योंकि छोटे बच्चे का है ना, तो इसको हम सीधा इस तरीके से कटिंग कर लिए। सीधा कटिंग करने के बाद में यहाँ से एक कुटका लगा लेंगे, कुटका किस लिए लगाएंगे क्योंकि बटन पट्टी कास्ट पट्टी दोनों आ जाएगा, ये सिलाई का मार्जिन छोड़कर यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। सिलाई का मार्जिन छोड़कर इसको हम साइड में रखेंगे और ये देखिए रहा हालर, तो हालर को इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सभी को काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा और जो स्लो है वो काफी ज्यादा फास्ट हो भी जाएगा। अगर नहीं, अगर आपको इतना फास्ट काटने में डर लगेगा क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप गड़बड़ भी कर सकते हो, इसलिए एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने करता है। तो आप लोग डरे ना, बिना डरे आप सबसे पहले एक्सपीरियंस बना, एक्सपीरियंस बनने के बाद आप फास्ट कटिंग आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसलिए मैं बहुत जल्द ही बहुत कपड़ा काट कर मैं शांत हो जाता हूँ, उसको सिर्फ सीना आता है, कारीगर को दे दो खुद से सी लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आप फास्ट कटिंग करोगे तब, नहीं तो अगर कटिंग में ही अजुराए रह गए तो आप क्या काम करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये देखिए यहाँ से हमने कहा कि 1/2 इंच इधर को निकाला और यही क्या करते हैं कि अगर टेस्टर आता है, हेवी साइज आता है तो मैं क्या करता हूँ 1 इंच इधर को निकाल लेता हूँ। अब यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लिया और इधर से देखिए यहाँ से इस तरीके से सीधा कटिंग हम कर लेंगे, ठीक है, सिलाई का मार्जिन देखकर। और ये 1/2 इंच इधर को निकाल दिए, अब यहाँ सीधा इस तरीके से हम
कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद में ये जो हम मरका लगाते हैं ना, ये मरका जल्दीबाजी जो शॉर्ट कटिंग करते हैं उसमें हम नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? ये कैंची का नोक देख लो, कैंची का नोक देखने के बाद यहाँ से इस तरीके देखते हैं कितना गैप है। ये देखिए आधे इंच गैप है, यहाँ से इस तरीके से रख लेते हैं, ये नोक लगाते हैं यहाँ पे और इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। ये सब ट्रिक है, ठीक है। अब ये सब ट्रिक आप लोग इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगर करते हो तो कमेंट कर देना ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाएगा कि भाई हमसे भी ये स्मार्ट स्मार्ट लोग यहाँ पे है। ठीक है, देखिए अब जो है फर्स्ट वाला भी कटिंग हो गया, बैक भी कटिंग हो गया, अब क्या बच गया मेन स्लीव्स। तो स्लीव्स को ये देखिए इस तरीके से आगे बढ़ा लिए और इसको इस तरीके से हल्का तिरछा फोल्ड कर ले, नहीं तो अगर सीधा में आ जाएगा तो सीधा ही फोल्ड इस तरीके से आप कर ले। और देखिए ये तो पहले का मार्का है, मैं इधर से मार्का लगाया था शॉर्ट कास्ट के लिए, लेकिन मुझे माइंड में नहीं अब से तो सिखा दूं तो मैंने चेंज कर दिया। यहाँ से सीधा एक निशान लगा दिए, सीधा निशान लगा मेरे बाजू का जो लंबाई है 15 जो मैंने तीरा में लगा रहा था, ठीक है गलती से। और ये देखो 15 है तो यहाँ से सीधा रखिए और यहाँ 15 है ना, तो इसमें से मात्र आधा इंच कम करके मार्का लगा ले और यहाँ से क्या होता है कौन इंची मुड़कर सिला जाता है और जो कफ रखता है 2 इंची चौड़ा तो परफेक्ट लंबाई आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से कम कर लिए। अब यहाँ से इस तरीके से सीधा निशान लगाएंगे और इसमें जो कफ लगाएंगे 7 से 7.5 तक लगा सकते हो कफ। और यहाँ से हम डाउन जो करेंगे, डाउन करेंगे 2.25 इंची और इसमें जो है वो 22 के हिसाब से हम करते हैं। तो देखिए 5.5 आया तो 5.5 के इस तरीके से मार्का लगा दिए। अब यहाँ से इस तरीके से राउंड डॉट डॉट कर दिए। ये देखिए यहाँ पे 7.5 है ना, तो ये देखिए 7.5 है तो ये 3.5 हो गया, ये 4.25 हो गया और 0.5 इंच इसमें हम दे दिए टेकिंग का मार्जिन। और ये स्टेट स्केल के द्वारा, छोटे बच्चे के स्टेट स्केल के द्वारा ये मार्का लगा दिए। ये मेरा बाही बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद क्या रह जाएगा तीरा, तो तीरा भी बहुत जल्दी हम कटिंग कर लेंगे, दोनों तीरा एक ही साथ हम कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए अगर आप चाहते हो इसमें चाक पट्टी लगाना तो चाक पट्टी लगा सकते हो, अगर आप चाहते हो कि यहां से कट करके डायरेक्ट कफ लगा देना तो ये भी कर सकते हो। बट यहां से हम क्या करूंगा कि यहाँ ये देखिए उल्टा के ये मार्का लगा दूंगा, यहां से मैं हल्का डिप करूंगा फ्रंट पल्ला में, ये हल्का डिप होता है क्योंकि कपड़ा ज्यादा खींच रहे ना इसके लिए। और इसमें मैं छोटे बच्चे में यही कफ ज्यादा अच्छा होता है, वाला कफ अच्छा नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कट लग जाता है। अब आते हैं तीरे के ऊपर, तो तीरे देखिए यहाँ से इसमें देखिए दोनों तीरा मेरा आ जाएगा कि नहीं आएगा है, तीरा इसमें है 11.5, देखिए 11.5 है तो आराम से आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आपका आयरन गर्म है तो देखिए डबल फोल्ड है तो आयरन गर्म है तो इस पे आयरन कर ले ताकि आसानी तरीके से बैठ जाए और तीरा आपका कठिन हो जाए। ये देखिए कटिंग करने के समय मैं हल्का आयरन को हीट रखता ही रखता हूँ ताकि जो घिचुराया है वो जल्दी से जल्दी मैं इसको फिनिश कर लूँ। तो एक बार हीट करके बंद कर देता हूँ, जब जरूरी पड़ता है हीट चालू कीजिए आयरन को और इस तरीके से आप आसानी से सीख रहे हुए चीज को चिकन कर लीजिए। और ये देखिए सबसे पहले छोटे बच्चे में हाइट कितना रखे, सियाने में तो 8वां भाग हाइट कर रख लेते हैं लेकिन छोटे बच्चे में भी आप हिसाब लगा सकते हो। तो इसका 22 से 8 की 24, ठीक है हल्का ज्यादा रख लिए 3 आ रहा है तो 1 इंच सिलाई के बाद लेते हैं 4 इंच, लेकिन छोटे बच्चे में आप कभी भी 4.5 रखना, 4 इंच मत रखना, ठीक है 4.5 रख लेते हैं। और यहाँ से सीधा निशान इस तरीके से लगा लेंगे, इसको हम हालर के लिए डाउन करेंगे 1.25 इंच, ठीक है ये देखिए 1 इंच 1 सूत्र इस तरीके से हम डाउन कर लिए। और उसमें 2 इंच का मार्का हमने लगाया था 1.25 का, इसमें हम लगा देंगे पूरा पूरी 2 का और इस तरीके से हालर हमने ये राउंड कर लिया। इसके बाद आते हैं ये देखिए ये मार्का आते हैं, ये जो है 11.5 है 11.5 में देखिए 11.5 आ गया, सिलाई के मार्जिन हम 2.5 इंच ले लिए तो ये 6.5 हो गया और यही 6.5 में यहाँ 2 सूत और बना देंगे तो ये 6.5 हो गया इस तरीके से। और इसमें देखते हैं कि इसमें कम कितना करेंगे तो ये कम करेंगे 1.5 इंच, उसमें 1.5 इंच कम किए थे लेकिन इसमें 7.5 इंच ही हम करेंगे, ठीक है तीरा में, क्योंकि 2 सूत हम एक्स्ट्रा रखते हैं तीरा में बैक पल्ला। अब यहाँ से आपका तिरछा हो गया, ये देखिए तीरा का मार्का कम्प्लीट हो गया, अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो आई होप आप जो है कॉमेंट करके बताओ कि मैं जो तरीका बताया हूँ फास्ट कटिंग करने का ये वीडियो कैसा रहा और ये फास्ट जो शॉर्ट कटिंग हुआ है कहाँ पे ज्यादा गड़बड़ हुआ है आप कमेंट करके बता सकते हो, और आप सब इतना फास्ट कटिंग करते हो या नहीं कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमें सहायता करो खुश रहा करो।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा, जैसे कि ब्लॉग बना, ब्लॉग के माध्यम से आप सबको सिखाया है कि फास्ट कैसे कटिंग करें। तो आप लोग कटिंग, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि इस तरीके से आप कटिंग करते हो या नहीं। जो जो मैं ट्रिक बताया हूँ, बिना मार्का का ही कटिंग कर लिया हूँ बहुत सारे जगह, और ऐसा भी व्यक्ति होगा कि बिना मार्का का कहीं कहीं ट्रिक लगाकर जल्दी में कटिंग कर लेता हुआ, हमसे भी स्मार्ट और टेलर होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना ताकि मुझे भी ट्रिक पता चले और मैं फास्ट कटिंग करके काम कर पाऊँ। ऐसी खाने के लिए तो पूरा मार्का लगाना पड़ता है, तो जो जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ ना वो सिखाने के लिए होता है, और जब मैं कटिंग करता हूँ रियल में काम करने के लिए तो तरीका मेरा चेंज हो जाता है, फास्टिंग में आ जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियो कैसा रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ब्लॉग को भाई जबरदस्ती कर लो, क्योंकि मैं इस पर कुछ अजीबा अजूबा अजूबा चीजें बताया करूंगा जो आप सभी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये देखिए लाइक ब्लॉग देखने के लिए ऑडियंस पूरा भर चुके हैं। ये देखिए, ये दिल्ली से आए हुए हैं, आ ये हैं घरतन के, आ इनको तो आप चिनते ही होंगे, आ इनको तो भाई कौन नहीं चिनता। तो चलिए यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं।